हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है। तो आज हम क्या कि आपके लिए कुछ नेशनल पार्क्स लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स क्या होता है, ये वन्य जीव की उन्नति एवं फलने फूलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को नेशनल पार्क कहते हैं। वन्य जीव की उन्नति एवं फलने फूलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को नेशनल पार्क कहते हैं। भारत में सन 1993 ईस्वी से पूर्व से पूर्व 66 मतलब कि 66 नेशनल पार्क थे, जो 33,988 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक एरिया के 1% भाग में फैले हुए थे। कितने परसेंट भाग में? 1% भाग में फैले हुए थे। अब इनकी बढ़कर 80% क्षमता हो गई है। सम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये कुछ नेशनल पार्क हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं, नेम एंड लोकेशन एंड एरिया। तो नेम क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी लोकेशन क्या है, शिवसागर जिला असम। इसका एरिया कितना है, 430 वर्ग किलोमीटर। यही दूसरा इम्पोर्टेंट है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये है, ये मांडला में बालघाट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसका एरिया कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जूनागढ़ में, ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, जो कि 1412 किलोमीटर में है। एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नैनीताल उत्तराखंड में है, जो कि 525 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। ये है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है 24 परवाना पश्चिमी बंगाल में। इसका एरिया है 2585 वर्ग किलोमीटर। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।